आपका यहां पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है, चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी, क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करें, छह अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए। तो सर ये मीडिया का काम है या कांग्रेस भी कुछ करेगी? मतलब मीडिया जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करे कि जनता जो है वो कांग्रेस को वोट दे? मैंने नहीं कहा। अपनी नाकामी को सर मीडिया पर मत फोड़िए, ठीक रहा? मैंने नहीं कहा। नहीं आप ही ने कहा सर। मैंने कहा कि असली जो हम तो कमलनाथ को लेकर भी खबर, आपने सवाल पूछा कि आप आत्ममंथन करते हैं, तो आत्ममंथन हार को लेकर नहीं करेंगे सर। कहा बिल्कुल। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच। दरअसल डिबेट चल रही थी अभी जो चार राज्यों में चुनाव हुए हैं इस पर, और इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता मीडिया को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। इसी पर एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता को ही अच्छी खासी सुना डाली। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई, सवाल ये पूछना चाहती हूँ आलोक जी कि हम लोकतंत्र में हैं और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है। ऐसे में चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाती है, लेकिन जनता भरोसा किस पर जता रही है? बीजेपी पर जता रही है सर। तीन राज्यों में अभी जिस तरीके की बंपर जीत बीजेपी को मिली वो इसकी गवाह है। जनता में आप लोग भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर अब की बार 400 पार, मोदी की हर ट्रिक, तो फिर कांग्रेस कहां है? देखिए ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार, डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए। आपका यहां पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है, फिर कहूंगा चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी, मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली, 2018 में क्यों नहीं चली, इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे, क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे पहले कब देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं सर। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते। मैं कह रहा हूँ आपका विशेषाधिकार है, मैंने तो पहले भी देखा, मैं मंच पर बैठा हूँ ना, मैं अपने उत्तर दे रहा हूँ ना, कम से कम बोल लेने दीजिए। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही? मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के, मोदी जी की गारंटी वहां नहीं चल रही? मोदी जी वहां पर जाकर अंतिम बात कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं रोकेंगी, मणिपुर पुराना मुद्दा है, मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं रोकेंगी, पुराना मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूँ मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की, क्योंकि आपको हकीकत पता, आपको राजनीति करनी है, दिल्ली में मणिपुर मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे हैं पूछे, वहां की राज्य सरकार खिलाफ लाइए, मैं चुनौती कहता हूं। क्या संसद नहीं में, क्या संसद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था? अब सर आप आलोक जी, आया था कि नहीं आया? आलोक जी आपको आराम से संसद के अंदर, संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया तो मोदी जी दांत फाड़ कर हंस रहे थे, क्या ये सच्चाई नहीं है? सर यहाँ पर चिल्लाने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, आप दोनों सामान्य लोग हैं, बारी बारी बोल लीजिए। संसद सत्र में कहा कि 267 नियम के तहत होगी, यानी सारे काम रोको, मणिपुर पर चर्चा करो, मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया, नहीं नहीं अब चर्चा कर लो, यानी अब राजनीति आगे मणिपुर पीछे, क्योंकि तब लग रहा था केजरीवाल को साथ में लेना है। उसके बाद इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना है, जाके देख लीजिए, ये मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए 5% भी नहीं बोला है मणिपुर के बारे में विपक्ष के नेताओं ने। उत्तर देता हूं क्या है मोदी की गारंटी क्या है? बता रहा सुनिए, आप छोटे से मणिपुर पर उत्तर दीजिए, सुनिए आप सुधांशु जी, आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई पूछिए, आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिशन लिमिट 6% है। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं, एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो, G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो, एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो,
हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। उत्तर दूं? और इतना ही नहीं है, मैं एक छोटा सा पूरी बात दे दी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमसे पूछ रही हैं रोमाना जी कि आप मंथन नहीं करते। अरे भाई, इनसे मुख्यमंत्री तो बनवा लीजिए, वहां एमएलए ले लेके वो वसुंधरा जी घूम रही हैं, लेकिन मीडिया कहीं नहीं पूछ रहा है उनसे। दुर्भाग्य ये है कि असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। एमपीपीएससी में पिछले 6 साल से यहां सब युवा मेरे भाई बहन छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए आप। तो सर, ये मीडिया का काम है या कांग्रेस भी कुछ करेगी? मैं नहीं, मतलब मीडिया जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करे कि जनता जो है वो कांग्रेस को वोट दे? मैंने नहीं कहा। अपनी नाकामी को सर मीडिया पर मत फोड़िए, ठीक रहा? मैंने नहीं कहा। नहीं, आप ही ने कहा सर। मैंने कहा कि असली जो मुद्दे हम तो कमलनाथ को लेकर भी खबर दिखाते हैं। आपने सवाल पूछा कि आप आत्ममंथन करते हैं? हाँ, तो आत्ममंथन हार को लेकर नहीं करेंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या बिल्कुल आत्ममंथन होना चाहिए? हाँ। लेकिन बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ बाकी मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी से सवाल पूछूंगी चेहरों को लेकर, फिर आपसे क्या सवाल पूछूंगी और आप उस पर क्या काउंटर करेंगे? या बीजेपी को घेरना है, इस वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए मैं सुधांशु जी से सीएम को लेकर सवाल पूछने? अंतिम बात कहना चाहूंगा, चेहरे की बार बार आप चेहरे की बात करते हैं। हाँ। मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए। हाँ। किस तरह से वो 80-20 शमशान कब्रिस्तान ईद दिवाली किस पर वोट मांगते हैं। हाँ। आज तक किसी प्रधानमंत्री का दूसरे का कोई दो वक्तव्य मुझे बता दीजिए। सर, मेरे पास मेरा प्रोड्यूसर मैसेज कर रहा है कि पूरे शो में सिर्फ आलोक शर्मा सुनाई पड़ रहे हैं। अब जरा सा चुप हो जाइए सर, सुधांशु जी को भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, ये शो जरूर देखेगा, क्योंकि हर बार आप एंकर से कहते हैं कि आप बाद में शो जरूर देखेंगे, आपने मुझे बोलने नहीं दिया, तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप बाद में जाकर ये शो जरूर देखिएगा। और मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, जब ये बोलते हैं मैं एकदम शांति से सुनता हूँ। प्रोड्यूसर बोलिए, आप बोलिए, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहिए कांग्रेस के बार बार को चुप करा दिया गया। सुधांशु जी, अब मैं बताता हूँ चेहरा बदलना क्या होता है। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, आपको याद है कि राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर से बाहर निकले थे। और आज तक किसी को नहीं पता होगा किसी नेता के बारे में कि जाति तो पता है, कौन सी उपजाति है, कौन सा गोत्र है, यह भी बताया गया, ठीक। और इनके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस बार चुनाव हार गए, उनका नाथ द्वारा में वो कैसा आपत्तिजनक वीडियो है जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं, इन सबको क्या पता होता हो, तो धर्म के बारे में ब्राह्मणों को पता होता है, ठीक है। एक चेहरा ये था 2018 में, और 2023 में कहते हैं जातिगत गणना चाहिए, मैं तो इनके साथ हूं। भैया, वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ के भी साथ हूं और फिर पलट के मैं पिछड़ों के साथ हूं। जनाब, ये चेहरे बदलने से समस्या होती है। जनेऊ नहीं पहन सकता। देखिए, एक लाइन में, एक जल्दी से सर, इनके पास जानते कितने चेहरे हैं? एक पुराने जमाने हम लोगों का बचपन का गीत था कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई, और जुमे रात को चैन। दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी ही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।